आज आप दोनों ने जो नामुमकिन मकसद पूरा किया है उसे पूरा करने के बारे में शायद कोई और सोच भी नहीं सकता। इस देश को, इस देश की मिट्टी को, सबको आपने जो महामारी से मुक्त कराया, इन असुरों का विनाश किया। आज अगर हमारा पूरा देश खुली हवा में सांस ले रहा है तो आप दोनों ने वो सांसें दी। इस देश को नया जीवन दान दिया है आप दोनों ने शेष नागिन। आप जानते हैं अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि भगवान कहाँ है, लेकिन मैं उनसे ये कहूंगा मुझे ये तो नहीं पता कि भगवान कहाँ है, लेकिन उस शिव का वरदान यहां मेरे सामने है। आप दोनों ने अपनी शिद्दत से, अपनी शक्तियों से इस पूरे देश को वरदान दिया, नया जीवन दान दिया, प्राण दिए, और आपका यह उपकार इस देश पर, इस देश के हर एक नागरिक पर उधार है शेष नागिन। मैं आपको शब्द जब प्रणाम करता हूँ शेष नागिन, शब्द जब प्रणाम करता हूँ। क्या हुआ प्रोफेसर साहब, आप चौंक क्यों गए? प्रोफेसर साहब बताइए ना। इस देश से खतरा तो टल गया, लेकिन एक अनदेखा अनजाना खतरा आपकी तरफ आ रहा है। नहीं, मतलब? मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जितना बड़ा जिसके बारे में ना तो मैं देख सकता हूँ और ना आप दोनों सोच सकते हैं। आपको सतर्क रहना है। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता और ना ही कोई खतरा मुझे छू सकता है जब तक ऋषभ जी मेरे साथ है। और सुनो, मैंने सुना ऋषभ भाई को फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने जाना है। नो वेज, भाई तो फिर बहुत बिजी हो जाएंगे। अब इतना कुछ हुआ है तो एक छोटा ब्रेक तो बनता ही है ना। नाइस आइडिया, हमको ना भाई और भाभी के लिए कुछ प्लान करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। डेट प्लान करते हैं। अरे डेट वेट नहीं यार, तुझे पता है ना डेटिंग ना फिर पूरी फैमिली की डेटिंग हो जाएगी। भाभी ना फैमिली के बिना कहीं बाहर नहीं जाती, तो इससे बेटर होगा कि हम उन्हें घर में अकेला छोड़ देते हैं और हम सब बाहर चले जाते हैं। उन दोनों की डेटिंग घर में और हम सब बाहर, ग्रेट आइडिया। मैं बस खाना बना लेती हूँ। भाभी मुझे कुछ ऑफिस का अर्जेंट काम आ गया तो मैं तो जा रही हूँ, तुम भी चलोगी मेरे साथ? हाँ हाँ ऑफकोर्स। भाभी मैं ना घर में बहुत बोर हो जाती हूँ, तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर आउटिंग के लिए जा रही हूँ, ठीक है? ऋषभ के पापा और मैं मंदिर जा रहे हैं, आज जगराता है ना मंदिर में। पुनीत तुम भी चलो हमारे साथ, राधा को माता रानी का आशीर्वाद मिल जाएगा और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। अरे चलो चलो, आप सबको भी पार्टी में जाना था, चलो 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 सब खड़े हो जाओ, चलो। अरे लेट्स गो। कमाल है, सब एक साथ ही घर के बाहर जा रहे हैं। कोइंसिडेंस भाई, वैसे आप दोनों तो घर पे हो ना, तो भाभी आप भाई के लिए कोई सुपर डिनर प्लान करना। और हाँ भाभी, आप लोग ना टीपी करो, आई मीन टाइम पास। बाय बाय। मैं खाना बना लेती। अरे इतनी जल्दी क्या है, एक सरप्राइज तो मैंने हमारे लिए भी प्लान किया। अच्छा तो ये सब घर वालों को बाहर भेजने का आपका प्लान था? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, पर सरप्राइज है क्या, मैं खाना तो बना लूं? सरप्राइज तो यही है ना, कैंडल लाइट डिनर। अब तुम जाओ, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। माँ, माँ, ये आप क्या कर रही है माँ, छोड़िए प्रथा को। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। माँ प्लीज, माँ मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए प्रथा को। इसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, तहस नहस कर दी इसने, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते सब कुछ छीन लिया इसने मुझसे, मेरी जिंदगी, मेरी हस्ती, मेरा वजूद सब कुछ इसने मिट्टी में मिला दिया। और तू मुझसे कह रहा है कि मैं इसे छोड़ दूं? इसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। आप ऐसी तो नहीं थी ना एकदम, क्या हो गया आपको अचानक?
मॉम नहीं वहीं रुक जा। एक कदम भी आगे बढ़ा है ना तो ये जो छुरा है ना वो इसके गले के और पार हो जाएगा। माँ माँ देखिए हम आराम से बैठ के बात करेंगे। माँ अब प्लीज पहले प्रथा को छोड़िए। मुझे क्या पता ये लड़की जो है ना इसने बहुत बड़ा राज छुपा के रखा है इसलिए अब उस राज का पर्दाफाश होगा ही होगा। कैसा राज? माँ ये क्या बोल रही है? राज है तू नहीं जानता बहुत बड़ा राज है और ये राज तेरे सामने आज खुलेगा। अब क्या करूं ऋषभ मैंने तुझे अपना बेटा माना है ना तो एक बार अपने बेटे के सामने ये राज छुपा कर कैसे रख सकती है। आज ये राज तुम्हारे सामने खुलकर ही रहेगा। मेरी बात कान खोल कर सुन ले और ये सच्चाई जानने के बाद तू पागल हो जाएगा सुन रह जाएगा क्योंकि ये जो तेरी पत्नी है ना वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है ये नागिन है इच्छाधारी नागिन शेष नागिन है ये। माँ ये आप क्या कह रही हैं? यकीन नहीं आ रहा ना तुझे सुन सुन नागिन शेष नागिन अब तुम्हारे सामने बस दो ही रास्ते हैं या तो तू अपने असली रूप में आ जा या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। शेष नागिन है ना तू मसीहा कितने असुरों को तूने मार दिया तो क्या इस छुरी से तू डर जाएगी? ना 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 नागिन आ जा अपने असली रूप में आ जा दिखा दे इसको वो रास क्या है या फिर मैं तेरी जान निकालूंगी। माफ माफ माँ प्लीज पहले चाकू हटाइए। माँ उसका खून निकल रहा है। नहीं माँ प्लीज नहीं हटाऊंगी इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना तो इस राज के साथ मैं इसे आबाद कैसे रहने दूंगी। चल आजा अपने असली रूप में बता दे वो सच क्या है बता। माँ ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज पहले चाकू उठाइए उसे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी सुन नागिन आज तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। हाँ बता वो सच क्या है बता वो राज क्या है। बड़ी माँ मॉम